धर्मशाला के शहीद स्मारक में विकास चिल्ड्रन पार्क का उद्घाटन निर्वासित तिब्बत सरकार के राष्ट्रपति डॉक्टर लोमसाक तांगे ने किया। इस मौके पर उन्होंने साथ सीटीए वित्त विभाग के कर्मायशी भी मौजूद रहे। डॉक्टर लोमसाक तांगे ने पार्क का उद्घाटन कर पार्क को बच्चों के लिए समर्पित किया। तिब्बती प्रशासन द्वारा बनाए गए इस पार्क में बच्चों के लिए झूले भी लगाए गए ताकि बच्चे अपने परिजनों सहित इस पार्क में घूमने के साथ साथ झूले झूलने का भी आनंद उठा सके। बताते चले कि पर्यटन नगरी होने के चलते काफी संख्या में पर्यटक भी शहीद स्मारक में घूमने के लिए आते हैं। ऐसे में पर्यटकों के बच्चे भी इस पार्क में घूमने के साथ साथ झूले झूलने का आनंद भी ले सकेंगे। निर्वासित तिब्बत सरकार के राष्ट्रपति डॉक्टर लोमसाक तांगे ने कहा कि धर्मशाला के शहीद स्मारक में तिब्बती प्रशासन द्वारा इस पार्क का निर्माण करवाया गया है ताकि धर्मशाला के बच्चे अपने परिजनों सहित इस पार्क में आए और सुबह शाम इस पार्क में सैर का आनंद लें। उन्होंने कहा कि शहीद स्मारक के भीतर इस पार्क का निर्माण कर बच्चों को भी सुरक्षा प्रदान की गई है। उन्होंने बताया कि इस साल में धर्मगुरु दलाई लामा का 25 वर्ष चल रहा है। उन्होंने बताया कि सीटीए ने इस पार्क का निर्माण करवाकर दलाई लामा को तोहफे के रूप में समर्पित किया है। इस मौके पर शहीद स्मारक पहुंचने पर निर्वासित तिब्बती सरकार के राष्ट्रपति लोमसाक तांगे का शहीद स्मारक कमेटी की ओर से स्वागत किया गया। आज यहाँ वाह मेमोरियल में एक चिल्ड्रेन पार्क हमने रेनोवेट किया ताकि धर्मशाला के जितने भी बच्चे बच्ची है वो यहाँ आए पेरेंट्स के साथ और यहाँ खेले और पेरेंट्स को भी ये लगे कि ये जो बॉर्डर सब सिक्योर है सो समय बिताए ये, क्योंकि इस साल हमारा परम पावन दलाई लामा जी का 85th ईयर है। ये हमारा ग्रेटिट्यूड ईयर है। सो हम इस सॉलेनेस को डेडिकेट कर रहा है। डेडिकेट के अनुसार ये चिल्ड्रेन पार्क धर्मशाला के लिए डेडिकेट किया हुआ है।